इस वीडियो में हम HTML वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। अगर हम अभी इस लॉगिन बटन को क्लिक करें तो देखिए हमारा पेज, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो एक और डिफरेंट पेज खुल जाए। अगर हम अपने फोल्डर के अंदर देखें तो यहाँ पे एक लॉग्ड इन डॉट HTML फाइल भी थी, जिसके अंदर एक सिंपल H1 एलिमेंट था और इसके अंदर लिखा हुआ था यू हैव बिन लॉग्ड इन। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं लॉगिन का बटन क्लिक करूँ तो ये वाला पेज खुल जाए। उसके लिए हमें पता है कि हम फॉर्म एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जिसका नाम है एक्शन, और उसकी वैल्यू उस पेज का रिलेटिव पाथ होगा जो हम ओपन कराना चाहते हैं। तो हमें logedin.html ओपन कराना है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी फॉर्म के बारे में कि जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो क्या होगा, तो इसलिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगी और लॉगिन पे क्लिक करूँगी तो हमारा यू हैव बिन लॉग्ड इन का पेज खुल जाएगा। उसके बाद इस फॉर्म के अंदर एक और ये प्रॉब्लम है कि अभी तो मैंने कोई भी एलिमेंट्स फिल आउट नहीं किए, फिर भी ये लॉगिन का बटन लॉगिन के पेज पे जा रहा है। तो इसके अंदर मैं HTML फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई करूँगी। मैं इन सारे इनपुट्स पे रिक्वायर्ड का बूलियन एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी। तो इनपुट रिक्वायर्ड सेव करते हैं। अभी हमने सिर्फ फुल नेम वाले इनपुट पे रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट अप्लाई किया है। इसे हम रिफ्रेश करते हैं। अब जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे एरर देगा, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। और फिर जब मैं इसे फिल कर दूँगी और फिर लॉगिन पे क्लिक करूँगी तो ये लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि ये सारी की सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड हों, तो इसलिए मैं ये बूलियन एट्रीब्यूट यहाँ से कॉपी करके बाकी सारे इनपुट एलिमेंट्स पे पेस्ट कर दूँगी। और फिर मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करूँगी। तो अभी मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एरर दे रहा है, मैंने इस पे कोई भी वैल्यू एंटर की। फिर दोबारा से लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे इस पे भी एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने अब सारे के सारे इनपुट एलिमेंट्स पे रिक्वायर्ड बूलियन एट्रीब्यूट डाले। अब आप एक और चीज़ नोट करें कि अब जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगी तो अभी भी ये लॉगिन वाले पेज पे नहीं जाएगा, इवन दो मैंने ये सारी की सारी फील्ड्स फिल आउट कर दी हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे इस वाले इनपुट के अंदर एरर आ रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एट इन द ईमेल एड्रेस। तो HTML को पता है कि ये ईमेल एड्रेस है और ईमेल एड्रेसेस के अंदर @something.com भी आता है। तो ये हमारी HTML कोड को कैसे पता चला, हमने यहाँ पे टाइप ईमेल यूज़ किया है। अगर हम यहाँ पे टाइप ईमेल नहीं यूज़ करते तो ये वाला एरर कैच नहीं होता। तो टाइप एट्रीब्यूट फॉर्म वैलिडेशंस का एक और तरीका है जिससे आप इनपुट की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपने ठीक वैल्यू दी है या नहीं। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि मैंने एज दी है 324 और अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगी तो ये सक्सेसफुली नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि एज की वैल्यू 324 अलाउड हो, मैं चाहती हूँ कि वो कम से कम वैल्यू दे 10 और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे 100। अगर 10 से कम या 100 से ज़्यादा वैल्यू हो तो ये एरर दे कि आपने गलत वैल्यू एंटर की है। तो इसके लिए मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी मिन एंड मैक्स, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस इनपुट के बारे में। मैं यहाँ पे लिखूँगी मिन 10 क्योंकि मुझे कम से कम 10 वैल्यू चाहिए, और मैं इसको दूंगी मैक्स 100 क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 100 चाहिए। अब मैं पेज रिफ्रेश करूँगी और यहाँ पे मैं कोई भी नेम लिखूँगी। यहाँ पे मैं दोबारा से कोई बहुत बड़ी सी वैल्यू डाल देती हूँ। यहाँ पे ईमेल डाल दूँगी और यहाँ पे पासवर्ड। अब जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगी तो एज पे एरर आएगा, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100। और अगर मैं
टू लिखूंगी तो एरर आएगा वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। और अगर मैं वैल्यू करेक्ट दूंगी फॉर एग्जांपल 18 और फिर लॉगिन पे क्लिक करूंगी तो हमारा पेज सक्सेसफुली लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा।